बहू और बेटी की गर्मी। नाश्ते की टेबल पर बैठी नित्या जोर जोर से चिल्ला रही होती है, ओ गॉड भाभी, दिस इज टू मच। ये क्या खाना बनाया है आपने? इतनी गर्मी में आलू के पराठे कौन खाता है? नित्या, आलू के पराठे तुम्हारे भैया को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना सभी के लिए यही बना दूं। मेहनत से बचना तो कोई आपसे सीखे। अरे इतना ऑयली खाना खा खाकर फ्रेशनेस फील होगी, मुझे नहीं खाना ये सब। नित्या झूठे नखरे दिखाकर जाती है, मगर सास की सुननी अभी बाकी थी। कर दिया ना खराब सुबह सुबह मेरी बेटी का मिजाज। क्यों री बानी बहू, मैं पूछती हूँ, आखिर तुझे मेरी बेटी से किस बात की चिढ़ है? अरे भाग्यवान, कभी तो अपनी बेटी की भी गलती देख लिया करो। जब देखो बेचारी बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हो। श्याम को बहू के हक में बोलता देखकर रेखा गुस्से से भरकर बोलती है, अरे तुम तो चुप ही करो जी, पता नहीं ऐसी कौन सी घुट्टी घोलकर पिला दी है इस चुड़ैल ने तुम्हें, जो हर बार बहू का पक्ष खींचते रहते हो। अरे ओ करमजली, अब तो खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरी बेटी के लिए चिल्ड मिल्क शेक बनाकर उसे दे आ। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी बहू किचन में जाकर मिल्क शेक बनाने लगती है, तभी मशीन में से एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जिसकी आवाज सुनकर रेखा रसोई घर का रुख करती है। अरे ओ गरीब की बेटी, अब कौन सा नया नुकसान कर दिया तूने? माँ जी, शायद मिल्क शेक की मशीन खराब हो गई है। हे भगवान, बेड़ा कर्क हो तेरा, बहू बढ़ा दिया ना खर्चे का घर। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने तुझ जैसी गरीब घर की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। अरे तेरे बाप ने दिया ही क्या है, जो दिया सो तो खराब हो गया। नकली सामान थमाकर ठग ही लिया उसने हमें। रेखा का ये रूखा रवैया हर दिन की बात थी, जब वह बेचारी बहू को गरीब घर से होने का ताना मारती, जिसे सुनकर बानी को बहुत दुख होता। उसका फूट फूट कर रोना देखकर भी पत्थर दिल सास कभी नहीं पिघलती थी। माँ जी, मेरे मायके वाले के बस की जितनी थी उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे दिया। ऐसा भी? हमारी झोली में कोई खजाना नहीं दिया उन्होंने? एक तो गर्मियों में सस्ते से टेंट पे शादी की, और दहेज में तो फ्रिज एसी दिया, वो भी कुछ खास कीमत का नहीं। बानी ये बात खूब अच्छे से जानती थी कि वह अपनी सास के झूठे बातों से जीत नहीं सकती, इसलिए वह खुद ही चुप हो गई। इसके बाद रेखा भी हॉल में आकर एसी की हवा में बैठ गई। बीतते गए दिन, जिसके साथ और भी तेजी से गर्मी पड़ने लगी, जिसके कारण किचन में खाना बनाते हुए बेचारी बहू पूरी तरह से पसीने से भीग जाती। एक दिन बानी अपनी सास को बोलती है, माँ जी, गर्मी के मारे किचन में बहुत ज्यादा भपका उठ रहा है, किचन में एक एग्जॉस्ट लगवा दीजिए ना, जिससे गर्मी थोड़ी कम हो सके। ये सुनकर सास गुस्से से उखड़ कर बोलती है, अरे तेरे मायके वाले ने क्या मनी ऑर्डर भेजा है बहुरानी? इतनी कोई खास गर्मी नहीं पड़ रही जितना तू झूठा दिखावा कर रही है। मेरे पास फिलहाल एक पाइप फूटी नहीं है। सास की साफ इनकार के बाद बेचारी बहू को हर दिन गर्मी झेल कर खाना बनाना पड़ता, जिस मारे बहू का शरीर गर्मी में घमौरियों से भर गया। ये देख आनंद कहता है, अरे बानी, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं आनंद जी, गर्मी से हो गया है, मैं ठीक हूँ। बानी की बातों में भरी बेबसी आनंद को एहसास हो जाती है। अगले ही दिन वह किचन में एग्जॉस्ट लगवाता है, जिसे देख कर उसकी ननद नित्या नए एसी के डिमांड पर अड़ जाती है। माँ, मुझे मेरे कमरे के लिए एक नया एसी चाहिए। मां, मार्केट में एलजी एसी का न्यू मॉडल आया है। एलजी का एसी? मगर नित्या, जानती हो उसकी कीमत क्या है? पूरे 1,00,000 रुपए का बजट बैठेगा। देख लो माँ, भैया के लिए सिर्फ खर्च मैटर करता है, मेरी खुशी नहीं। ऐसा कहते हुए नित्या झूठ मूठ का रोना लगा देती है, जिसे देख कर रेखा अपनी बहू को मुद्दा बनाकर उसे फिर से सुनाना शुरू कर देती है। जमाना सही कहता है कि शादी के बाद बेटा बदल ही जाता है। बीवी के लिए तो फट से पैसे फूंक कर एग्जॉस्ट लगवा दिया, और जैसे ही बहन की बारी आई तो 10 बहाने बनाने लगा। मगर अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी के लिए कल ही एसी लगवाऊंगी। अगले दिन रेखा अपनी बेटी के कमरे में एसी लगवा देती है। अब तो हर दिन के साथ नित्या की नई नई फरमाइश बढ़ती चली गई। कभी लेट नाइट पार्टी तो कभी देर रात बाहर घूमना फिरना उसका शौक बन जाते हैं। माँ, माँ कहाँ हो आप? क्या हो गया मेरी प्यारी बेटी, क्यों अपने गले को तकलीफ दे रही है? माँ, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, भाभी से मेरे कपड़े धुलवा दो और मुझे कुछ कैश दे दो। देखो ना, धूप और गर्मी के कारण मेरा फेस कैसा डल हो रहा है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी प्रिंसेस, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, ये ले मेरा ATM कार्ड रख, और तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना। नित्या झट से अपनी माँ के हाथों से ATM छिटक कर चली जाती है। वहीं जैसे ही बानी घर का काम खत्म करती है, उसकी सास मौका पाते ही गंदे कपड़ों की ढेरी उसके आगे पटकते हुए बोलती है,
अरे ओ महारानी, तू तो बड़े ठाट से बैठ गई। ये कपड़े क्या तेरा बाप आकर धोएगा? चल उठ और शुरू हो जा। मगर माँ जी, अभी पूरे आंगन में घनी धूप गिरी हुई है, थोड़ी धूप कम हो जाती है तो धो देती। अरे तू कहीं की फूल कुमारी है क्या जो धूप देखकर मुरझा जाएगी? अब बिना किलकिल किए चुपचाप से कपड़े धो, समझी? बानी चुपचाप से कपड़े धोने बैठ जाती है। बहू को इतनी भरी गर्मी में कपड़े धोता देखकर उसका ससुर श्याम कहता है, अरे भाग्यवान, जब घर में कपड़े धोने की मशीन है तो बेचारी बहू से हाथ से कपड़े क्यों धुलवा रही हो? क्यों, इसके हाथों में घुन लगा है क्या जो मशीन में कपड़े धोए? आधे घंटे मशीन चलाने पर मीटर कितनी तेजी से भागता है, और फिर महीने में जो बढ़कर बिजली बिल आता है उसका क्या? और फिर कौन सा चार कपड़े धोने से इस करमजली के हाथ घिस जाएंगे? ऐसे ही दिन तेजी से बीतते जाते हैं। जहां रेखा अपनी बेटी की ख्वाहिशों के पीछे खूब खर्च करती, वहीं बहू उसे फूटी आग भी नहीं सुहाती। एक रोज बाजार में गोलगप्पे देखकर रेखा से रुका नहीं जाता। वह जी भर कर गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है, मगर उसकी तबीयत खूब बिगड़ जाती है। उसकी हालत इतनी पतली हो जाती है कि वह हॉल में ही उल्टी कर देती है, जिसे देख नित्या नाक सिकोड़ कर अपनी माँ से दूर हटते हुए कहती है, ची ची ची, ये क्या हरकत है माँ, आपने कालीन की धज्जियां उड़ा दी, हद होती है बेबाकी की। ओ गॉड, ये बुरी स्मेल कहीं मेरी जान ना ले ले। अपनी माँ को इतना सब सुनाकर नित्या वहाँ से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं बहू सास की पीठ सहलाती हुई उसकी उल्टी साफ करके उसे नींबू पानी देती है। ये लीजिए माँ जी, जल्दी से नींबू पानी पी लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। बानी अपने हाथों से सास को नींबू पानी पिलाकर उसे कमरे में ले आती है। उस रात बानी अपनी रात भर की नींद झोंककर अपनी सास के लिए जागती रह जाती है। वह कभी उसका सर सहलाती तो कभी उसके पांव दबाती। वहीं नित्या मजे से एसी की ठंडी हवा में अपने कमरे में सुकून से सो रही होती है। अगली सुबह, माँ जी अब कैसा लग रहा है आपको? क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बहू किस मिट्टी की बनी है तू? पूरी गर्मी में अपनी बेटी की छोटी से बड़ी हर गुजारिश को पूरा किया। जिस बेटी पर मैं जान छिड़कती थी वो मुझे बीमार हालत में छोड़कर सोने चली गई, और जिस बहू से मैंने कभी सीधे मुंह बात भी ना की, उसकी परेशानी ना समझ सकी, वही सारी रात मेरे लिए जागती रह गई। मैंने पूरी तरह से होश नहीं खोया, काफी हद तक होश था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कभी कभी दिल के रिश्ते के आगे खून के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। बानी खुशी से अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सभी वहां आ जाते हैं। आखिर आनंद और श्याम भी तो यही चाहते थे कि जो आदर उस घर की बेटी को मिलता था वह बहू को भी मिल सके, जो आज पूरा हो चुका था। अब नित्या भी कभी खाने पीने या किसी भी चीज में नखरे नहीं दिखाती। ये कहानी है गरीब चंदा की, जो अपनी दो बेटियों ललिता बबीता के साथ एक फूस की झोपड़ी में रहती थी। चंदा के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी, मगर एक साल चंदा की बोई हुई फसल फलवंत ना हो सकी, जिससे चंदा हिम्मत हार गई। नहीं नहीं, मेरी महीनों की मेहनत इस तरह मिट्टी में नहीं मिल सकती। मैंने सारे पैसे इस खेती में झोंक दिए, मगर सब पर पानी फिर गया। अब मेरे पास एक छोटा सिक्का नहीं बचा, मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? ये सोचकर वो गरीब माँ अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोने लगती है, और इसी वजह से चंदा बीमार रहने लगती है। और आखिरकार एक रोज चंदा अपनी बेटियों को अनाथ छोड़कर चली जाती है, जिस पर दोनों बच्चियाँ फूट फूट कर रोती हैं। माँ उठो ना, माँ, ललिता दीदी, माँ को कहो ना उठने को। माँ कभी नहीं उठेंगी बबीता, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। अब हम दोनों बहनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इसी तरह दो दिन बीत जाते हैं। घर में छाई कंगाली को देखकर ललिता कहती है, रसोई में बस थोड़ा ही आटा बचा है, वो भी खत्म होने पर है। अब हम दोनों बहनों को खेत की देखरेख करनी होगी। इसके बाद दोनों बहनें खेत पर आती हैं, जहाँ जामुन के सभी पेड़ एकदम बरबर बंजर पड़े थे। ललिता दीदी, लगता है इस पेड़ पर कभी जामुन नहीं उगेंगे। क्यों ना हम उस पेड़ को जड़ से साफ करके यहाँ भिंडी और तोरई बो दें? नहीं ललिता, देखो इस जामुन के पेड़ में जान पड़ चुकी है। पेड़ सजीव की गिनती में आते हैं, ये भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं। इसीलिए हमें कोई हक नहीं कि हम इसकी जिंदगी छीन ले, चाहे ये फल दे या ना दे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों बहनें जामुन के पेड़ को रोज पानी देती है और उसकी खूब देखभाल करती है। ऐसे ही दिन बीतता है। एक दिन हसमुख चंद उनकी चौखट पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, ललिता, अरे ओ बबीता, अरे कहाँ हो चंदा की बेटियों? जी काका, कहिए। चलो जल्दी से अपनी गठरी बांधकर घर से निकल जाओ, आए समझ में?
हसमुख चंद जी, ये तो हमारा घर है, आप हमें हमारी जगह जमीन से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तेरी मरी हुई माँ ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए आज से ये घर मेरा हुआ। घर छिन जाने के डर से भर कर दोनों बहनें हसमुख चंद के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा मत कीजिए हसमुख चंद जी, हमसे हमारा घर मत छीनिए, हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर कुछ दिनों बाद अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों अनाथ बहनों को घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दूंगा, आया समझ में? ऐसा कहकर हसमुख चंद वहाँ से चला जाता है। दीदी, हमारे पास तो खुद खाने को कुछ भी नहीं है, ऐसे में हम हसमुख चंद जी के पैसे कैसे चुकाएंगे? पता नहीं बबीता, चलो खेत चलते हैं पेड़ों को पानी देने। दोनों अनाथ बहनें आंखों में आंसू लिए जैसे ही खेत में आती हैं, तो उनके जामुन के ठूठे पेड़ खूब सारे काले रसीले जामुनों के गुच्छों से लदे हुए होते हैं, जिसे देखकर दोनों बहनें खुश होकर कहती हैं, देखो बबीता, हमारे जामुन के पेड़ पर फल आ गए हैं, अब हम इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दीदी, ये जामुन कितने रसीले मीठे दिखाई देते हैं, क्या मैं एक जामुन चख कर देख लूं? हाँ हाँ बेशक बबीता, तुम इसे खा सकती हो। जैसे ही बबीता डाली झुकाकर जामुन का एक गुच्छा तोड़ती है कि अचानक वहाँ जामुनों का एक और गुच्छा उगाता है। देखो दीदी, ये कैसा जादुई जामुन का पेड़ है, जिस पर एक जामुन तोड़ते ही एक और उगाता है। हैरानी तो मुझे भी हो रही है बबीता, खैर तुम जामुन खाकर देखो। जैसे ही बबीता एक जामुन खाती है तो उसके अंदर सोने के बीज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीदी दीदी, इस जामुन के बीज तो सोने के हैं, इसका मतलब ये सचमुच में जादुई जामुन के पेड़ है। बबीता के ऐसा कहते ही जामुन के पेड़ में आंख नाक मुंह उभर आते हैं और वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोलता है, बच्चे मन के सच्चे, तुम दोनों ने सही पहचाना, मैं हूँ एक जादुई जामुन का पेड़। ला 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 ला। ये कैसा चमत्कार है, भला एक पेड़ बोल कैसे सकता है? ओहो, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती ही रहती है सेनोरिटा। अरे, ये जामुन का पेड़ तो जादू के साथ फिल्म में बातें भी करता है। क्योंकि मुझे पसंद है। चलो अब मुद्दे पर आते हैं, तुम दोनों के आंसुओं ने मुझ जामुन के पेड़ को जादुई बनाया है। याद है हर रोज जब तुम बहने रो रो कर मेरे जड़ों में पानी डालती थी, तभी एक रोज तुम्हारे आंसू भी मेरे जड़ में घुल गए थे, इसलिए मेरी पचखियां जड़े सब जादुई हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इस्तेमाल करो। ऐसा कहते हुए जादुई जामुन का पेड़ झूम झूम कर खूब सारे जामुन बरसाने लगता है, जो ना तो टूटते हैं और ना ही फूटते हैं। जाओ और इन जामुनों को ले जाकर बाजार में बेचो। मगर ऐसे तो जामुन खरीदने वाले ग्राहकों को सोने की गुठलियों का राज पता चल जाएगा। नहीं, केवल उन्हीं जामुनों की गुठलियां सोने की होंगी जिन्हें तुम अपने लिए लोगी। इसके बाद दोनों बहनें ढेर सारे जामुन तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने पहुंच जाते हैं और जामुनों की ताजगी देखकर ग्राहकों की बड़ी भीड़ वहां जुट जाती है। कैसे दिए ये रसीले मीठे जामुन? 40 रुपए किलो है चाचा। अरे, इतने गुदेदार जामुन इतने सस्ते भाव में, क्या बात है, जामुन खट्टे हैं क्या? खुद ही खाकर देख लो चाचा। अरे वाह, ये जामुन तो एकदम अमृत के जैसे मीठे हैं। 2 किलो दे दो मुझे। ये लीजिए चाचा, 2 किलो जामुन। ग्राहकों की भीड़ देखकर वहाँ से गुजर रहे पति पत्नी की नजर उन चमचमाते जामुनों पर घिर जाती है। लड्डू के भैया, वो देखिए ना, कितने सुंदर जामुन है, चलिए ना लेते हैं। अरे अंगूरी, तुम तो खुद ही मीठी इमरती हो, और जामुन खाकर क्या करोगी पगली? अगर इसका मन है तो खरीद लीजिए ना, हमारे यहाँ महंगाई की मार नहीं है, सस्ते जामुन है। ठीक है, 1 किलो दे दो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। दोनों बहनें हर दिन जादुई जामुन के पेड़ के पास आकर खूब सारे जामुन तोड़ उन्हें बाजार में बेचा करती है, जिससे उनके घर में छाई गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है। तभी एक रोज हसमुख चंद उनके घर आता है। अरे ओ अनाथ बहनों, अरे कहाँ हो, चलो बाहर आ जाओ, लाओ मेरे पैसे। ये लीजिए हसमुख चंद जी, आपके पैसे, अब फिर कभी हमारे घर के चौखट पर मत आना। पैसे लेकर हसमुख चंद वहाँ से जाने का नाटक करके छिप जाता है। वहीं दोनों बहनें जादुई जामुन के पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ती है, मगर उनको इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि हसमुख चंद उनका पीछा कर रहा है। जागो जादुई जामुन के पेड़, हम तुमसे मिलने आए हैं। आओ आओ, मैं जादुई जामुन का पेड़ तुम बहनों का स्वागत करता हूँ।
जानते हो जादुई जामुन के पेड़, आज तुम्हारे कारण हमने सारा कर्ज चुका दिया, अब हमसे हमारा घर नहीं छिनेगा। इस पर जादुई जामुन का पेड़ खुश होकर कहता है, तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा करो, लो ताजे रसीले मीठे जामुन खाओ जरा। ऐसा कहते हुए पेड़ खूब सारे जामुन बरसाने लगता है। तभी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर हसमुख चंद ये सब देख रहा होता है। तभी जामुन के पेड़ की जड़ लंबी होकर उसे जकड़कर अपने पास खींच कर ले आती है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, अरे ओ ढीठ पेड़, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे वरना मैं कुल्हाड़ी से काट दूंगा तुझे, और फिर इन दोनों अनाथ बहनों को भी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे मुझे। इन बहनों को अनाथ समझने की गलती मत करना वरना मैं खलबली मचा दूंगा, समझ में आया तुझे। ऐसा बोलकर जादुई जामुन का पेड़ हसमुख को अच्छे से मजा चखाता है, जिसके बाद हसमुख भीगी बिल्ली की तरह भाग जाता है और ये देखकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अरे वाह जादुई जामुन के पेड़, तुमने क्या खूब कमाल दिखाया। उस दिन से लेकर आज तक वो जादुई जामुन के पेड़ उन दोनों अनाथ बहनों के लिए बड़ों के साए का हिस्सा बनकर उनकी जरूरतों में खरा उतरता है। आज दोनों बहनें सुख से अपने घर में रहती हैं और साथ ही जादुई जामुन के पेड़ से गरीबों की मदद किया करती हैं।